हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को लेकर मैं जब बना रहा था तो आज मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो उस सीरीज का ये क्या है, इंडियन इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर है। और आपको मैं पहले ही बता दूँ कि जो चैप्टर है इसको मैं ज़्यादा से नहीं, 4 से 5 पार्ट में इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा। और हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की जो जर्नी आर्थिक जो सीरीज चल रही थी उसका फाइनली क्या होगा, वो अंत होगा। और फिर हम जो एक नई बुक होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और इसी एनर्जी के साथ और आप लोगों के इसी सहयोग के साथ हम उस चीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे और एक ऐसे टाइम में उस चीज़ को भी फिनिश कर देंगे। तो हम इसमें आज की जो फर्स्ट पार्ट में देखें कुछ, हमें इसमें सिंपल से अगर मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा है ना, जो हमने इससे पहले के 12 चैप्टर को पढ़े हैं, तो उन 12 के 12 चैप्टर का कंक्लूजन है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जैसे कि बुक का नाम था कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो हमने पूरी इंडियन इकोनॉमी को देखा, क्या क्या सिनेरियोस थे, कौन कौन से एग्रीकल्चर, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को हमने उस चीज़ को देखा था। तो ये बेसिकली क्या है कि पूरे जो 12 चैप्टर है उसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि उसी मतलब कंक्लूजन को 2 देशों के साथ और जोड़ दिया गया, मतलब एक भारत, पाकिस्तान और चाइना, मतलब हमें 3 देशों के बीच में पढ़ना है। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें बेसिकली जो उनके छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उनकी बेसिक जो नॉलेज होगी वो हम इसको आज देखेंगे, और वो चीज़ आपको भी पता होगी आई होप। तो उसमें पहले हम देखें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको समझना था, आपने पूरी हमने इंडियन की जितनी प्लानिंग थी उसको तो समझ लिया पूरी, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी इंडिया में इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो समझना वो चाइना की स्ट्रैटेजी को समझना जाए। क्यों? क्योंकि आज जो चाइना हमारे लिए मतलब भारत से या फिर कह सकते हैं कि दुनिया में मतलब 200-300 कंट्री आते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। तो हमें चाइना की स्ट्रैटेजी को समझना, चाइना कैसे ग्रोथ करिए इतना ज़्यादा, ठीक है, वो सारी, और भारत पीछे कैसे रह गया, पाकिस्तान पीछे कैसे रह गया, तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना है। तो आज हम बेसिकली उनकी बेसिक नॉलेज लेंगे। तो पहले हम चीन के बारे में पढ़ते हैं, चीन के संदर्भ में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सर 1949 में, ठीक है, मतलब चीन जो होता है स्वतंत्र राष्ट्र बना था, कब, वो 1949 में। तो ये आपको थोड़ा सा समझना। और दूसरा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के मतलब सॉरी अर्थव्यवस्था के समाजवादी मॉडल का, मतलब कि चीन जब स्वतंत्र हुआ मतलब 1949 में, तो उसने कौन सी इकोनॉमी को अपना रखा था, उसने बेसिकली क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपना रखा था, मतलब समाजवादी मॉडल को अपना रखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो चाइना था उसने 5-ईयर प्लानिंग की शुरुआत कब की, तो 5-ईयर प्लानिंग की उसने शुरुआत की थी 1953 में। कुछ आपको डेट्स याद रखनी है, क्यों, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट जो एक नंबर का जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे वो आपके बेसिकली यहाँ से पूछे आते हैं, तो आपके डेट्स पूछी आती है। और दूसरा क्या है, नई आर्थिक नीति, मतलब जो चाइना ने नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था वो 1978 में अपनाया था। और जो था ये सबसे, देखो मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर 3 आपको समझना है, और 3 मैंने स्टार दिए हैं। और यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूँ कि 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, एक नंबर का आ सकता है या फिर आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इन 3 पॉइंटों से आपका बन सकता है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर चीन ने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या कहता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसे हम GLF कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या था इसको आपको समझना है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मतलब चाइना जो था वो अपना मतलब डेवलपमेंट करना चाहता था, और डेवलपमेंट करने के लिए उसने बेसिक पॉलिसी अपनाई थी। तो ये पॉलिसी इसमें बेसिकली बात क्या कही गई थी, इसमें बेसिकली बताया गया था कि जो चाइना है, ठीक, तो चाइना के जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र थे, मतलब जो गांव वाले हिस्से थे, तो वहां पर क्या होंगे, जो यंगस्टर होंगे जिनके पास जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि कैसे पैसे से रिलेटेड होंगे, कैसे उद्योगों वगैरह का, तो इस प्रोग्राम के द्वारा क्या किया गया कि उन जो मतलब जो निरक्षर थे, जो प्रशिक्षक थे, उन्हें क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया, ताकि वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ के बारे में क्या जानकारी दे। तो इससे क्या हुआ कि जो चाइना के मतलब चाइना की जो GDP हो गई, चाइना की जो ग्रोथ रेट हो गई, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया था वो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगर आपका विशेष आर्थिक सेफ SEZ कह सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बहुत अच्छे चीन की पॉलिसी थी। अगर भारत भी ऐसे कुछ चीज़ों को अपनाता तो सर भारत भी क्या होता है कि चाइना की तरह एक डेवलप कंट्री हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तो चीन नहीं अपनाता। ये क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बेसिकली जो चाइना था तो उसने अपने हिस्से में एक ऐसे क्षेत्र को डेवलप किया था जहां पर क्या हो कि बेसिकली उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाएगा जो विदेशों को जरूरत हो, मतलब वहां पर एक विशेष इकोनॉमी बनाई गई थी जो बेसिकली क्या निवेशकों की मदद के लिए बनाया गया था। इससे क्या होता था कि उनका जो फॉरेन रिजर्व लगातार बढ़ने लगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका 19
1979 में एक मतलब चीन ने देखो जनसंख्या बहुत ज्यादा, आपको भी पता है कि आज के समय में जो चीन है ठीक है वो जनसंख्या के मामले में सबसे टॉप पर है। तो उस दौरान भी ऐसा कुछ था, तो चीन ने क्या था कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था। तो वो कब अपनाया था आपको वहां पर एग्जाम में डेट पूछी जा सकती है, वो 1979 में। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं भारत की स्ट्रेटेजी के बारे में, तो भारत को आप बेसिक आप भारत को समझ सकते हो क्योंकि भारत की पूरे हमने चीजें पढ़ी, इंडिया की इकोनॉमी पूरे भारत पे है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इस भारत जो था 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ था। सेम अगर बात करें तो पाकिस्तान भी उसी डेट पे हुआ था। दूसरा क्या देखिए, भारत में जो अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था, मतलब भारत ने जो विकास करने के लिए वो बेसिकली मिक्स इकोनॉमी को अपनाया था, मतलब मिश्रितवादी मॉडल को अपना रखा था। और हम बात करें पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का भी सेम मॉडल वही चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही देश थे, लेकिन जो विभाजन हुआ था, विभाजन होने के परिणाम स्वरूप दोनों अलग कंट्री हो गई थी। और हम बात करें दूसरा की 5-ईयर प्लान की, तो जो भारत था ठीक है, उसने भारत ने मतलब आजादी होने के बाद, मतलब 1947 में, तो उसके मतलब 3-4 सालों बाद, मतलब 1951 में क्या हुआ, भारत ने 5-ईयर प्लानिंग की शुरुआत कर दी थी। और जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने 1956 में की थी। और अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नई आर्थिक नीति की, तो सन 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया, मतलब भारत द्वारा जो LPG थी उसको कब अपनाया गया, 1991 में, और पाकिस्तान को अपनाया गया था 1998 में ठीक। तो और लेकिन यहाँ पर जो एक कॉमन सी बात आ रही है कि जो पाकिस्तान और भारत है ना, वो जो विकास के पथ पर ना एक साथ उन्होंने चलना प्रारंभ किया। आप इस चीज को कैटन आप तो देख सकते हो कि दोनों सेपरेट में स्वतंत्र होते हैं। अगर इनकी पंचवर्षीय योजना में कंपेयर करें, इनके जो मॉडल था वो भी क्या बिल्कुल एज इट इज था। और हम अगर देखें यहाँ पर 5-ईयर प्लान के बारे में, तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा लेट अपनाया था, लेकिन भारत ने पहले अपना लिया था। और जो इनका क्या था कि 3-4, मतलब इनकी जो भारत और पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। तो लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा जो आप चीजों को फोकस करना, सबसे ज्यादा आपको जो चीजों को ध्यान में रखना है वो चाइना के बारे में रखना। क्यों? क्योंकि आपका ये जो मैंने आपको 3 स्टार बताया था, यहाँ पर ऑलमोस्ट एक आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन को आप यूज कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।